अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रुप फाइव स्टार्ट करते हैं आज। ग्रुप फाइव है नाइट्रोजन फैमिली, हमने कार्बन फैमिली तक पढ़ लिया था। ग्रुप फाइव है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्जेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मत। अच्छा, इनमें से एलिमेंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड एन पी यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और ए एस एंड एस बी, ठीक है, अर्जेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड बी आई इज़ अ मेटल। बी आई क्या चीज़ है? बिस्मत। बिस्मत इज़ अ मेटल। देयर वैलेंस शेल कंटेन फाइव इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर है क्योंकि ग्रुप फाइव है तो इनके वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब क्या है इन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है इनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ कुछ। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ तो पाई जाती हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो जो डिफरेंस है इनमें आपस में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सेम प्रॉपर्टीज़ जो पाई जाती हैं वो अपनी जगह पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अच्छा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो हमें पता है कि एक गैस है, और अगर हम इसको जब भी हम इसको इसके हवाले से किसी भी तरह की रिसर्च करेंगे या हम इसको जब भी देखेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे, तो हमें कभी भी ये सिंगल एटम के हवाले से नहीं मिलेगी बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी हमें नाइट्रोजन के हमेशा दो एटम्स अटैच मिलेंगे। N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट थ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नाइट्रोजन में टेंडेंसी है कि वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है, क्योंकि थ्री इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकती है, ले सकती है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो माइनस में जाएगी। इसकी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो नेगेटिव होता है, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकती है नाइट्रोजन, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो माइनस थ्री होगी, माइनस में होगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि ये ले रही है। अच्छा, देखिए यहाँ पे मेंशन भी हुआ है माइनस थ्री। अच्छा, ऑल एग्जिस्ट इन मोर देन वन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें बज़ाहिर शक्ल डिफरेंट नज़र आती है, ठीक है, बज़ाहिर शक्ल डिफरेंट नज़र आती है। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रही, लेकिन ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देती चलूँ इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म की। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म अगर हम सिर्फ हम सल्फ़र की देखें तो सल्फ़र हमें इस टाइप के क्रिस्टल में भी नज़र आता है, कुछ डायमंड टाइप के क्रिस्टल में भी नज़र आता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा सल्फ़र का। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स वो होती हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ, अभी हम आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रही इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स को। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स वो होती हैं जिनमें किसी एक एलिमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एक एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, यानी एक एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट का हम अगर देखेंगे तो अगर कोई क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल ही रहेगा। अगर हम डायमंड को देखेंगे तो डायमंड का मिनिमम सबसे छोटा जो एटम होगा वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होगा। सबसे छोटा जो होगा डायमंड का एक ज़र्रा भी होगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी उनके डिफरेंट शेप्स होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाती है ऑक्सीजन फैमिली। सबसे ज़्यादा फेमस फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली। इसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र। अच्छा, सल्फ़र जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल तो दे दी, इसमें भी देखिएगा इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अच्छा, इनमें ऑक्सीजन और सल्फ़र जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स और पोलोनियम इज़ मेटल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। देखिए यहाँ पे भी एलोट्रॉपी बताया, एलोट्रॉपी का जिक्र है। तो एलोट्रॉपी क्या होती है? यही कि अगर किसी भी एलिमेंट को देखें तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी वो
अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होगी, ये सिंगल भी पाई जाती है, ये सिंगल एटम भी इसका पाया जाता है, ये डबल, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी पाई जाती है, और यानी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल ओ भी होता है, ओ टू की फॉर्म में भी है, ओ थ्री की फॉर्म में भी है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, और देखिए यहाँ पे सल्फर की भी ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाइवेलेंट नेगेटिव आइंस, देयर वैलेंस शेल कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ग्रुप सेवन ए जो है वो है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? इट इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अच्छा, एस्टेटाइन इज अ मेटलॉइड, एस्टेटाइन जो है वो मेटलॉइड है। ऑल अदर आर नॉन मेटल्स, ये सब जो है ये नॉन मेटल्स हैं। आप लोगों ने सुना होगा फ्लोरीन क्या चीज़ है, जो हम सुनते हैं टूथपेस्ट में भी पाया जाता है, फ्लोराइड होता है। क्लोरीन क्या है? क्लोराइड होता है, जिस ठीक है। इसी तरह से आयोडीन हमने बहुत कॉमन है कि सॉल्ट में आयोडीन पाया जाता है, मतलब पाया नहीं जाता, उसको इंक्लूड किया जाता है ताकि आयोडीन की कमी ना हो, बहुत कॉमन चीज़ है ये, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या है, रूम टेम्परेचर F2Cl गैसेज। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसेज हैं। अच्छा, लेकिन ब्रोमाइन जो है ये लिक्विड है, आयोडीन इज़ अ सॉलिड, आयोडीन सॉलिड होता है। देयर वैलेंस शेल कंटेन सेवन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेवन ग्रुप है तो वैलेंस शेल इनका सेवन इलेक्ट्रॉन्स रखता है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अच्छा, हेंस दे इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड आयंस। अच्छा, ये इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत आराम से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इनकी नेगेटिव इन पे चार्ज होता है, ये बहुत आराम से एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रुप एट, इनर्ट और नोबल गैसेस। नोबल अगर हम देखें तो कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ बिल्कुल सिंपल होता है, जो नोबल प्राइज़ भी आप लोगों ने सुना होगा, तो नोबल प्राइज़ आपने जैसे सुना है तो क्या है, बिल्कुल नोबल सा, सिंपल सा, हम अमूमन कहते हैं देखो बिल्कुल नोबल सा इंसान है, तो क्या है, बिल्कुल ये ना बहुत सिंपल सी गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी गैसेस हैं, मैं इस तरह से कर लेती हूँ, ये बहुत सिंपल सी गैसेस हैं, और इनके वैलेंस शेल में ज़ाहिर है क्योंकि इनका ग्रुप 8 है तो सिंपली इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन विच हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम सो स्लाइटली रिएक्टिव अंडर ड्रेस्टिक कंडीशंस, द रेस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर टोटली इनर्ट केमिकली। अच्छा, इनर्ट का मतलब ऐसा होता है कि जो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते, इनर्ट का मतलब होता है जो ज़्यादा केमिकली एक्टिव नहीं होते, ठीक है। केमिकली एक्टिव नहीं होंगे उनको इनर्ट कहेंगे, इनर्ट गैसेज होती हैं ये, यानी केमिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, रिएक्शंस नहीं शो करती। द रीज़न इज़ दैट दीज हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल्स। अच्छा, इनका आउटर शेल जो है, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो बिल्कुल कम्प्लीट होता है, यानी जब भी किसी एटम में, अब थोड़ा सा तवज्जो से सुने बात को, जब भी किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, वो चाहे फर्स्ट शेल हो वही आउटर मोस्ट शेल हो, चाहे सेकंड शेल जाके हो, चाहे थर्ड शेल हो, जब भी हो, जो भी हो, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल, जब किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जब इलेक्ट्रॉन से फुल होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या रिएक्ट करे, लेकिन रिएक्शन ज़्यादा शो कौन से एटम्स एलिमेंट्स करते हैं, वो एटम्स ज़्यादा रिएक्ट करना, रिएक्शन शो करते हैं, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जिनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट नहीं होती है, तो उनमें एबिलिटी होती है कि वो दूसरे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करें या अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दें, और जब इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएंगे तो रिएक्शन होता है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये इनर्ट होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, अब आते हैं ग्रुप बी ए, हमने सारे ग्रुप ए पढ़े थे, अब ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप 1B to 8B ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपस में चेंज होती हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट शो कर रहे होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये तमाम के तमाम मेटल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स होते हैं, इनमें वैलेंस शेल जो है ये इनकम्प्लीट होता है,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन दे शो मोर देन वन वैलेंसीज। अच्छा, इनकी वैलेंसीज एक से ज़्यादा होती हैं। इसमें मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूंगी तो फेरम की दूंगी, ठीक है, फेरिक या फेरस, ठीक है, एफ ई, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में आयरन कहते हैं। आपको कहीं पे एफ ई की 2 मिलेगी वैलेंसी, कहीं पे 3 मिलेगी वैलेंसी। उसकी वजह क्या है, इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। इसी तरह से ये मैंने आप लोगों को सिर्फ आयरन की एग्जाम्पल दी है, यानी इसको हम फेरिक या फेरस भी कहते हैं। एफ ई इसका साइंटिफिक नेम है, फेरिक या फेरस, ठीक है, एफ ई इसका सिंबल है, इसके साइंटिफिक नेम का सिंबल एफ ई है। तो इसमें यह है कि कभी ये अपनी वैलेंसी प्लस 2 शो करता है, कभी अपनी वैलेंसी 3 शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम एलिमेंट्स में अपनी वैलेंसीज चेंज करने की सलाहियत होती है। हमने जितने भी पहले एलिमेंट्स पढ़े हैं उनकी वैलेंसीज कांस्टेंट होती हैं, उससे उनकी वैलेंसीज चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है कि ये अपनी वैलेंसीज भी चेंज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। इनकी वैलेंसीज कहीं पे हमें कम मिलेगी, कहीं पे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छा, ये हम लोगों का हो गया, जो जितने भी सब टॉपिक्स थे हमारे यहाँ पे कवर हो गए। अब लास्ट सब टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, यानी अगर हम देखें कि एटम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे शो हुआ हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियस क्या चीज़ है, सेंटर से लेके और आउटर शेल तक का फासला, सेंटर से लेके आउटर शेल तक का फासला रेडियस कहलाता है। अगर हम, ये सिर्फ आउटर शेल की बात नहीं है, अगर हम किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी सब्जेक्ट में हम एक सर्कल को देखें, ठीक है, मैथमेटिक्स का होता है, सेंटर से आउटर लाइन का फासला रेडियस कहलाता है। सर्कमफेरेंस रेडियस डायमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटर से पास होती हुई अगर जाए लाइन, अगर लाइन से